अभी हम लोग बीच में कुछ एक गाने पे वर्क कर रहे थे, सो वी वर थिंकिंग कि इस गाने में रैप आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बट आई वुड से अदरवाइज, आई वुड से बिकॉज रैप के पहले भी गाने हिट थे, रैप खत्म होने के आगे भी गाने हिट होने वाले हैं. सो ऐसा तो रूल है ही नहीं कि रैप होगा तो ही आपका गाना हिट होगा. यस, आजकल का ट्रेंड है, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन अ सर्टेन सॉन्ग वेयर अ पर्सन नीड्स अ मेलोडिक पार्ट एंड देन अ रैप, then we would love to work with Honey or with Badshah or Ikka or any of the new lot jo aaye hain. We'll try to hold them in a different way. In fact, yeah, when we'll work with them, when we'll work with them, we'll try and get a completely different take on what they generally write, you know. Or they are doing generally, yeah. So, agar wo hamare sath judenge, to hum unko bhi explore karenge. Right. Ke aapne ye to kar liya, aap kuch naya laiye. So that is where Sanjeev Darshan, you know, I would say ke hamara input ye rehta hai ki hum har artist se कुछ और डिफरेंट जो उनका बेस्ट है जो शायद उन्हें भी नहीं मिला. फॉर एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल कनिका कपूर, शी डिड बेबी डॉल, शी डिड चिटिया कलाइयां, शी डिड अ लॉट ऑफ दीस आइटम एंड वेरी लाइट हार्टेड डांसिंग नंबर्स. जब हमने कनिका के साथ काम किया, वी मेड हर सिंग छिल गए नैना. सो फॉर कनिका इट वॉज अ कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस, इट वॉज अ न्यू साउंड दैट केम टू देम. एंड इवन टुडे कनिका थैंक्स अस सो मच बिकॉज It gave her a different identity. के देखिए मैं इस तरह के गाने भी गा सकती हूँ. I am not just another item girl, item song singer. So I think that's the way we look at things. कि इसी आर्टिस्ट को किस तरह से अलग तरीके से प्रेजेंट करो, so that people get to hear something new. So if probably, frankly speaking, if I'm working with Honey Singh, I would love to do a romantic song with Honey Singh, which no one has ever planned. अगर आप उस लेवल का एक्सपोजर या उस लेवल की हॉटनेस अगर आप नहीं दिखाएंगे, तो देर आर दीज फॉरेन पॉप स्टार्स हु आर अवेलेबल ऑन द सेम टीवी, जस्ट ऑन अ फ्लिप, ऑन अ डिफरेंट चैनल. सो व्हाट हैपेंस इज समवेयर डाउन द लाइन वी आर कंपीटिंग विद देम, एंड इफ दे आर वेयरिंग अ बिकिनी एंड दे आर गेटिंग 10 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब, वी समहाउ गेट इंस्पायर्ड कि व्हाई नॉट one of our girls who's as good looking, as gorgeous as them, why don't we get her to wear a bikini and try and get those views, try and get those viewers. Somewhere down the line, I think unknowingly we are spreading a little vulgarity to the younger generation, but I think agar hum nahi kar rahe, those foreign artists are already doing it and their accessibility is very easy for youngsters. So I don't think anything wrong in this, but yeah, I feel that naughtiness thodi kam kar deni chahiye. I think that would be great, but because the competition is so high. Yeah, I'll tell you the. I think it's all about the right idea would be the right statement would be today movie making is not just a passion, it's become business also. Very true, very true. And on a very big scale, aaj production houses बड़ी फिल्में बनाते हैं, हर प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाना चाहता है, और वो बड़ी फिल्में 100 करोड़ तक पैसे लग जाते हैं या शायद उससे भी ज्यादा. तो वो रिकवरी करनी है. अब वो रिकवरी करने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट इतना खुल गया है, इतना इंटरनेशनल इंटरनेट आ गया है, इतना सब इंटरनेशनल भी हम एक्सपोजर आ गया, हमें मिल गया है देखने के लिए आसानी से, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़ी बड़ी फिल्मों में भी बड़ी एक्ट्रेस भी थोड़ा सा बॉडी शो करती हैं, बिकिनीज पहन के कुछ शॉट्स देती हैं या किसिंग सीन्स होते हैं. तो आई थिंक नाउ इट्स बिकम वेरी कॉमन. जैसे अपन कह रहे हैं ना कि प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए हैं. आई बिलीव एज लॉन्ग एज दे डू इट इन अ क्लासी वे इट्स गुड. द मिनट दे गो लिटिल ओवरबोर्ड एंड यू नो, अनफॉर्चुनेटली कुछ मेकर्स हैं जो थोड़ा कर जाते हैं, ओवर कर जाते हैं, विच कैन बी आई थिंक अभी जो हमारे जो बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है, वो काफी स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेके, और आप पढ़ते ही होंगे आप लोग भी पेपरों में कि काफी फिल्में ये प्रॉब्लम में चल रही हैं, नहीं पास हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ द ओवर डन थिंग्स. वो डेफिनेटली धीरे धीरे कम होगा, और इंडियन सभ्यता को कोई डैमेज. हाँ, आई फील क्लासीनेस इज द राइट वर्ड. इफ यू डू इट इन अ क्लासी वे इट इज एक्सेप्टेबल, बट जहां आप उसको रॉन्ची बना देते हो, जहां आप उसको वल्गर बना देते हो, आई थिंक वी ऑल शुड काइंड ऑफ स्टेप बैक फ्रॉम दैट. The immediate project which is coming up is going to be a fun-filled film called Great Grand Masti. We've done the title track for Great Grand Masti, and we've also done a song for Urvashi Rautela, who's the main female lead in the film. And both the songs are completely amazing.
I think whoever has heard it has gone bonkers over that. Immediately after that, there is a film called Ishq Junoo, which is a very different kind of story. It's again catering to the youth, a very Mahesh Bhatt kind of a genre, being made by Sanjay Sharma ji. Rekha Bhardwaj ji ko laya unke saath pehli baar kaam kiya, and it was a wonderful pleasure working with her. And then there is very emotional song. वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा अभी मार्केट में. Then there is a film with Sunny Leone, which is called Beiman Love. उसमें हम लोग ने for Sunny Leone again we tried to do something different, so we've come up with a beautiful romantic song for Sunny Leone, because she is not the Sunny Leone that you guys always see. She's playing an actual heroine, an actual a common girl story, a beautiful character in the film. So for that we've recorded a very beautiful romantic song. Then there is Bhaiyaji super hit jo shuru ho gayi hai aur bahut jald ab wo bhi release hogi. So that's the film. Then there's a film called V for Victor. There are lot of projects you know jinka bhi title rakha nahi hai, and songs are already being recorded. Chandni Bar 2 is getting started, so uske liye bhi hum log ne bahut acche gaane soch ke rakhe hain. So I think in future, in this year, you will see a lot of films coming with Sanjeev Darshan. हमें देखेंगे. सो आई एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट. आई एम नेवर डिप्रेस्ड, आई एम नेवर सैड, आई एम नेवर इनफैक्ट या बोथ ऑफ अस आर लाइक मतलब वी फेलियर से तो हम बिल्कुल डिप्रेस नहीं होते. उसका रीजन ये है कि फेलियर बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग. या आई थिंक वी सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, लर्न फ्रॉम इट, यू नो. अब तो लर्न करने की वजह से अब पहली बार तो फेलियर कम हो रहा है, एंड उससे हमने यही सीखा है कि डिप्रेशन में जाने से और बुरा ही हालत हो जाती है इंसान की, चाहे वो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो. रादर अ पर्सन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी उसको घेरे या कितना भी काम नहीं बन रहा हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओपनिंग हमेशा होती है. Right. और वो वक्त के साथ होती है. सो वी हैव टू वेट फॉर दैट टाइम. वी हैव ऑलवेज वेटेड एंड ऑलवेज इट हैज, यू नो, गॉड इज काइंड दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस. हमने भी अपने वक्त का वेट किया, तब जाके ग्रैंड मसी का टाइटल ट्रैक सुपर हिट हुआ, छिल गए नैना सुपर हिट हुआ. आने वाला जो भी म्यूजिक आएगा आप देखेंगे एक कंप्लीटली डिफरेंट संजीव दर्शन आपको सुनाई. एक एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, अ डायरेक्टर गेट्स डिप्रेस्ड बिकॉज प्रॉब्ली ही इज नॉट डायरेक्टिंग अ फिल्म. एक्टर गेट्स डिप्रेस्ड बिकॉज ही इज नॉट एक्टिंग. सिंगर गेट्स डिप्रेस्ड कि यार गाने नहीं मिल रहे. म्यूजिक डायरेक्टर का सबसे कमाल लाइफ में यह है कि प्रॉब्ली एक रात हम लोग बैठे हैं और बैठे बैठे में म्यूजिक करते करते एक गाना बना, और एक गाना बन के एक ब्यूटीफुल सा थॉट आ गया, थॉट आके एक अच्छी सी कंपोजिशन आ गई और एक गाना बन गया. तो जस्ट मेकिंग दैट सॉन्ग गिव्स अस सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड सो मच ऑफ फन कि वी नेवर गो इनटू दैट डिप्रेशन. इनफैक्ट उस रात तो फिर पार्टी हो जाती है कि भाई चलो आज पार्टी करेंगे, आराम से सोएंगे. सो द गुड थिंग इज कि क्रिएटिविटी कॉन्स्टेंटली अगर चलती रहे, आई थिंक डिप्रेशन, देयर इज नो रूम फॉर डिप्रेशन. तो झगड़े आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ म्यूजिक. The idea is कि mostly झगड़े होते हैं जब कोई नोट किसी और गाने से मिलता है. यार ये नोट उस गाने से मिल रहा है तो लोग बोलते हैं कि संजीव says, अरे तो मिलने दो, it's just a small phrase that is, you know, matching. No, we don't have to do that. So what we do is we try to create, every time we try to create something जो कभी आया ना हो, you know, some notes that have never been used, combinations that never have been used. So I think that's the betterment for music only कि हम दोनों में झगड़े होते रहते हैं, but because he's the elder one, he always wins. कि हम दोनों का focus एक ही है कि हम song को जो है वो best करें, अपना best दें, और किस तरह से अपने viewers को completely entertain कर सकें. As far as sports are concerned, Sanjeev is a very good cricketer. He's almost played, I can say, club leagues in Bombay. I play a lot of cricket. And yes, workout चलता है. Try करके हफ्ते में I think 3 to 4 days we try to go to the gym. I think you guys will find us right in our music room, in our studio, because I think we spend most of the time over there only. Yes, we love our music. I think and we are foodies. So yeah, probably post 9:30 you'll find us in restaurants all over Bombay. Sanjeev ko hai थोड़ा ठंडा खाने से ये होता है. आई हैव कम अप टू अ कंक्लूजन कि मुझे तो कुछ भी नहीं होता है. आई कैन ड्रिंक द कोल्डेस्ट ऑफ ड्रिंक्स. खाना खाया जाए तो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, बट वही है कि ठंडा वगैरह थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज गला क्लियर रहना जरूरी है.
सर्दी जुकाम होता है तो फिर गला साथ नहीं देता है, और मेन कंपोज करना हो या सिखाना हो गाना, गला सबसे इंपॉर्टेंट। रियाज अपने आप हो ही जाता है दिन भर यही गाना बजाना, बिकॉज गाना बजाना ही होता है तो पूरा दिन रियाज में ही होता है, रियाज ही चलता है और गाने सुनते ही रहते हैं, तो आइडियाज एक्सचेंज करते रहते हैं, कभी कुछ ग्रूव सुना दिया, कभी दर्शन यार कुछ एक आइडिया देखो वो पुराने गाने का, वो उन्होंने ऐसे किया था, चलो यार अपन कुछ उस लेवल का सोचते हैं यार, यार उससे ऊपर जाते हैं, यही हमेशा। So constantly we're singing, actually constantly पूरा दिन गाने चलते हैं। लोग बहुत मतलब बड़े बड़े डायरेक्टर्स और यही कहते हैं कि वी लव यू योर गाइज, आपकी एनर्जी हमें बहुत पसंद है, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एनर्जी ओनली, यू नो कि वी आर सो एंथुसियास्टिक ऑफ डूइंग द काइंड ऑफ म्यूजिक वी वॉन्ट टू डू, एंड वी आर जस्ट होपिंग कि God, you know, give us the opportunity and we get the right projects that yes. We want to do. खैर शादी मेरी हुई है, दर्शन तो अभी I'm still single. But very soon he will be married also. I have a son who's around 11 years old and he is a fantastic singer himself. But उनका passion है football इस वक्त. खेल कूद में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है. And I allow him whatever he likes. But he loves music. और वो मुझे भी हमारे म्यूजिक को काफी वो इंटरेस्टिंग सुनते भी हैं और कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप पापा आप भी यार ऐसा गाना बनाते हो वैसा गाना बनाते हो, तो हमें अच्छा लगता है बिकॉज ही इज द यंग जनरेशन, हमें उससे भी काफी समझ में आता है कि यंग बॉयज या गर्ल्स क्या चाह रहे हैं आजकल, उनकी क्या टेस्ट है, एंड इट्स रियली फन क्योंकि यंग है, इज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, तो बहुत ही इंटरेस्ट लेता है, आता है गाने सुनता है, सीखता है, पापा ये कैसा किया, ये यार ये बहुत आपने अच्छा डिफरेंट लग रहा है, so we are happy. I think from Sanjeev and Darshan's side I can only say one thing, that be happy in life, just keep smiling, try to get all these negativity out of your life, be positive in life, and yes, music will help you whenever you are sad, whenever you are upset, whenever you think something is going wrong in your life, just listen to some good music. If you like dance music, listen to dance music. Dance your heart out and you will suddenly see that all the depression is gone. If you're feeling emotionally sad, listen to a romantic song, get a smile on your face, and I'm sure aap kahenge ki yes, this is kind of a therapy. It works on me, it works on most of the people I know. So I think just be happy in life, work hard and be healthy. And I think most important, enjoy your work. Yes. Whatever you're doing on any stage of life, the more you enjoy your work, the more these negative things, the negative thoughts will keep away from you. And automatically you'll have a great, happy life.